हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी फुल फ्लेयर बेबी स्कर्ट बनाना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा फैब्रिक है, ये 38 इंच चौड़ा और 38 इंच लंबा है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको फोर फोल्ड कर लेंगे। तो फोर फोल्ड हमको कैसे करना है, देखिए। सबसे पहले हम इसको देखिए इस तरह से। तो दोस्तों, ये हमारा बंद साइड है और ये हमारा खुला साइड है। तो यहां से हम लगा लेंगे कमर का नाप। तो कमर है 24 इंच, तो 24 का चौथा भाग होगा 6 इंच प्लस 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग के लिए। तो यहां 7 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, और यहां से एक बार हम नाप लेंगे। तो ये आ रहा है हमारा 4.5 इंच पे। ठीक है, तो इस तरह से हम 4.5 इंच पे यहां से निशान लगा लेंगे। और यहां हम गोलाई में शेप दे देंगे। तो दोस्तों, निशान लगाने के बाद हम एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इंची टेप को इस तरह से रखते हुए एक बार हम चेक कर लेंगे। तो ये हमारा 7 इंच पे परफेक्ट है। ठीक है, अब हम लगा लेंगे लंबाई, जितना हमको लंबाई रखना है प्लस 1 इंच। ठीक है, 1 इंच हमारा नीचे मोड़ने के लिए। दोस्तों, लंबाई हमारा 13 इंच, तो प्लस हम उसमें 1 इंच कर लेंगे, तो मतलब 14 इंच। तो यहाँ हम 14 इंच पे एक निशान इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, देखिए 14 इंच पे यहाँ हम एक निशान लगा देंगे। अब हम यहां से एक बार नाप लेंगे और यहीं से हम पूरा मार्किंग कर लेंगे। तो यहां से हमारा आ रहा है 18.5 इंच पे। ठीक है, तो यहीं से हम इसको घुमाते हुए 18.5 इंच पे एक निशान हम इस तरह से लगाते जाएंगे। तो दोस्तों, मार्किंग हमारा हो चुका है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहां से हमको 1/2 इंच अंदर मार्जिन छोड़ते हुए तब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए हमें। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से हमारा ये फ्लेयर्ड जो है स्कर्ट कट हो चुका है। ठीक है, देखिए ये इस तरह से कट हो चुका है। अब हमको इसके लिए क्या करना है, इसका पट्टी कट करना है। तो दोस्तों, ये पट्टी हमने कट कर लिया है, जो कि 4 इंच चौड़ा और 38 इंच लंबा है। ठीक है, तो एक बार हम इसको नाप के देख लेंगे। दोस्तों देखिए, इस तरह से हम इसको नाप के देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से नापने के बाद ये जो हमारा बचा हुआ पार्ट है, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। दोस्तों देखिए, ये हमारा स्कर्ट है। ठीक है, ये सीधा साइड है और ये हमारा पट्टी है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, ये हमारा स्कर्ट सीधा साइड है, इसको हम इस तरीके से, देखिए ये हमने उल्टा कर लिया, इस तरीके से कर लेंगे। और देखिए, यहां से एक पैर के मार्जिन से हम पूरा चारों तरफ सिलाई चला लेंगे। ठीक है, इस तरह से पकड़ते हुए एक पैर के मार्जिन से हम चारों तरफ इसी तरह सिलाई चला लेंगे। तो सिलाई चला के मैं आपको दिखा देती हूँ। तो दोस्तों, ये पट्टी हमने अटैच कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इसको पलट देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह पलटने के बाद अब हमको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम इसको इस तरह से, और यहां देखिए यहां पे इसको हम इस तरह से, इस तरह से करने के बाद कोने पे हमको चारों तरफ सिलाई चला लेना है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम जगह छोड़ देंगे इलास्टिक डालने के लिए। ठीक है, तो सिलाई चला के मैं आपको दिखा देती हूँ। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से हमने सिलाई चला लिया है, अब हम डाल लेंगे इसमें इलास्टिक। तो इलास्टिक हम लेंगे कमर के हिसाब से। तो
तो जितना कमर है उससे माइनस 7 या 6 इंच हम लास्टिक ले लेंगे। तो गाइज ये देखिए, ये हमारा स्कर्ट बनके रेडी हो गया है। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।